अगर सबको खुश रखते हो तुम तो एक HM स्टूडेंट हो तुम, अगर एक गुड लिसनर हो तुम तो मेरे साथ बोलेंगे एक HM स्टूडेंट हो तुम, अगर मल्टी टास्कर हो तुम तो समझ जाना एक HM बोले तो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तुम, और याद रखना BBA का सोचने वाला हो किसी से कम नहीं हो तुम, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर ही नहीं क्रिटिकल थिंकर भी हो तुम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर हम कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस बनाते हैं। यह है BBA वर्सेस होटल मैनेजमेंट। क्लास 12th में कोई भी बच्चा है उसके दिमाग में ना क्वेश्चन आता है, भैया मुझे ना मैनेजमेंट साइड में जाना है। ठीक है, अब ये भी मैनेजमेंट साइड है, ये भी मैनेजमेंट साइड है, होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी इस तरफ जाऊं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर जाऊं, तो इतना डिटेल में चेक करेंगे आपको 90% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यह है कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स, इन टोटल 82 वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलेंगी। कैटेगरी 1 CA कंपैरिजन अपलोडेड, कैटेगरी 2 BCOM कंपैरिजन अपलोडेड, कैटेगरी 3 CFA कंपैरिजन अपलोडेड, अब चल रहा है कैटेगरी 4 BBA कंपैरिजन, और ये है वीडियो नंबर 70, अंतिम सांसें ये सीरीज ले रही है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो वीडियो मर्जी है वो जाके चेक करो। अगर आप वेबसाइट देखोगे तो BBA को आपको गूगल पे टाइप करना है, बहुत सारे कॉलेजेस की डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाएंगी। ऐसे ही होटल मैनेजमेंट का आपको टाइप करना है गूगल पर और बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। ऐसा एक पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है जहां पर सारा होटल इंडस्ट्री कनेक्टेड है, जहां पर सारा BBA इंडस्ट्री कनेक्टेड है, जैसे CA CS CMA इन सब में होता है। ठीक है जी, फुल फॉर्म BBA का है क्या? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो चलाना आपको यहां पर सिखाते हैं क्या? बिजनेस। प्यार से इसको BMS और BBM भी कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। कहीं पर BSc भी आपको मिल जाता है, दिल पे मत लेना। नंबर ऑफ ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट, देखो BBA के ना बहुत सारे प्राइवेट और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल हैं, जैसे IIMS है, क्राइस्ट है, SPGEN, सिम्बायोसिस, शिवनादन, नरसिंह मुंजी, बहुत कुछ है, दुनिया भर के कॉलेजेस हैं। यहां पर देखोगे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, और कुछ होटल ग्रुप्स हैं उनके भी कॉलेजेस हैं। ठीक है, कोर्स का स्टेटस, चाहे BBA हो चाहे HM हो, दोनों UG डिग्री हैं। UG बोले तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री, अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th के बाद होने वाली डिग्री। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस, 10+2 एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है, PCM PCB कॉमर्स विद मैथ्स विदाउट मैथ्स ह्यूमैनिटी, इन दोनों करियर में जा सकता है। ज्यादातर कौन जाते हैं? कॉमर्स स्टूडेंट BBA में जाते हैं, और यहाँ पर मिक्स रहता है PCM का भी, आर्ट्स का भी और कॉमर्स का भी। बायो स्टूडेंट्स होटल में बहुत कम जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस देखो, अगर BBA में एडमिशन लेना है, तीन तरीके हैं। एक तो हो गया एंट्रेंस के थ्रू, भाई आपने IPMAT, SAT, NPET, CUET इसके थ्रू एडमिशन ले लिया। एक हो गया मेरिट बेसिस पर, क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया। एक हो गया डायरेक्ट एडमिशन, पैसे दिए कल से कॉलेज स्टार्ट। ठीक है जी, यहाँ पर भी IHM एंट्रेंस होता है, आपको वो क्लियर करना है। सेकंड, आप मेरिट बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हो, और थर्ड हो गया हमारा डायरेक्ट एडमिशन। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द कोर्स 30,000-40,000 रुपीज पर ईयर, और 7 लाख, रिपीट आफ्टर मी, 7 लाख पर ईयर तक ये फीस जाती है। भैया 21 लाख रुपये का, हाँ जी, अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेशनल फीस में सब कुछ कंबाइन कर दोगे तो 15-40 लाख रुपीज पर NM तक भी जाती है फीस, 1-1.25 करोड़ BBA में इतना है। यहां पर देखोगे तो 3 लाख रुपीज से लेकर 12 लाख रुपीज तक की फीस आपको होटल मैनेजमेंट में मिल जाएगी। भैया पूरे साल की अगर आप पूरा कोर्स देखते हो तो 15-20 लाख एक अच्छे बेहतरीन खाते पीते घर के कॉलेज में। अगर गवर्नमेंट कॉलेज है वहां तो फिर 2-3 लाख में सारे काम हो जाते हैं। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन देखो, BBA का ड्यूरेशन है 3 ईयर्स, बच्चे को पता है। ठीक है, अगर आप अब्रॉड से करते हो ना, कहीं पर वो जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, इंटर्नशिप होता है, आप जो जॉब में करते हो स्टार्टिंग ईयर्स में, वो डिग्री का ही पार्ट बना देते हैं। ठीक है, उसमें थोड़े से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी इंक्रीज कर देते हैं, ऑल्टरनेट डे पे क्लासेस भी कर सकते हैं। तो अब्रॉड में आपको 4 ईयर्स का भी BBA मिल सकता है, इंडिया में 3 ईयर्स का है। यहाँ पर तो होता ही 3 ईयर्स का है होटल मैनेजमेंट। कुछ कॉलेजेस 4 ईयर्स की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो ना बहुत ही मतलब लिमिटेड है, मुट्ठी भर कॉलेजेस होंगे। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन, BBA हो ही 3 ईयर्स में जाता है, चाहो या ना चाहो 3 साल में BBA हो ही जाएगा, यहाँ पर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी,
लेवल्स ऑफ द कोर्स, देखो सेमेस्टर सिस्टम आपको बीबीए में मिलेंगे, अगर 3 इयर्स का कोर्स है, एक साल में 2 सेमेस्टर है तो इंटू 2 कितने हो गए, 6 सेमेस्टर्स, वही लिखा है। अगर अब्रॉड से करते हो तो 8 सेमेस्टर्स, यहाँ पर भी 99% तो 6 सेमेस्टर्स, कुछ केस पे 8 सेमेस्टर जा सकता है जहाँ पर 4 इयर्स की डिग्री है। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, देखो बीबीए में पेपर होते हैं 24 to 30, अब ये पेपर 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होंगे, 3 साल का कोर्स है, हर सेमेस्टर में 5 to 6 पेपर हो गए और इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक ये सारे पेपर जाएंगे। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि भाई बच्चे नए नए आते हैं कॉलेज में, बड़े हुए हैं, वाइब आई है, अब मैं कॉलेज स्टूडेंट बन गया हूँ या बन गई हूँ, वो सब कुछ होता है, तो फर्स्ट ईयर इज ईजी। सेकेंड ईयर से थोड़ा थोड़ा आपको अपना CGPA मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। एग्जाम पैटर्न, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका बीबीए एफिलिएटेड है, जैसे आपका स्कूल CBSE से एफिलिएटेड है, ICSE, IB बोर्ड, स्टेट बोर्ड से, वैसे ही कॉलेज भी कहीं ना कहीं से एफिलिएटेड होते हैं, उस यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पैटर्न होगा। यूनिवर्सिटी कहती है भाई हमें MCQ चाहिए तो आपके पेपर में MCQ आएंगे, उन्होंने कहा कि भाई MCQ भी, केस स्टडी बेस्ड भी, सब कुछ चाहिए तो फिर सब कुछ आएगा, राइट? अब आपको कॉलेज टेस्ट कैसे करते हैं, भाई आपके असाइनमेंट्स होंगे, आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इंटर्नशिप्स होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, इन सब के बेसिस पर आपका स्कोर डिसाइड होगा और पासिंग क्राइटेरिया होता है 35 to 40%। जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, उतनी इंटर्नशिप्स, उतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे, जितना एवरेज कॉलेज में जाओगे वहाँ पर सिर्फ ये टर्म्स हैं, होता कुछ नहीं है, ठीक है जी। नंबर ऑफ पेपर्स अराउंड 24 to 26, क्या 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 कितने, 24 to 26 मेन पेपर तो हैं ही और 8 to 10 एडिशनल पेपर्स होते हैं। अगर देखें थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, फूड साइंस, HRM, हाउसकीपिंग, फाइनेंस, फूड साइंस में थोड़ा सा अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। ये ना कुछ ऐसी पढ़ाई होती है जो हमने ना आज तक नहीं पढ़ी और बेसिक जिंदगी से रिलेटेड है, भाई खाना बचपन से आप खाते हो तो ये जब चीज़ आप रिलेट करते हो ना तो बहुत मज़ा आता है, राइट? एग्जाम पैटर्न, अगेन ये सब कुछ आपको एग्जाम से मिल सकता है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, इंटरनल असेसमेंट्स और पासिंग क्राइटेरिया होता है जनरली 40 to 50%, HM में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा कंपैरेटिवली BBA से। डिफिकल्टी लेवल, BBA है मॉडरेट कोर्स, ऐसा नहीं आंधी आ गई तूफान आ गई भाई BBA नहीं हो रहा मेरे से, अरे मैंने तो सोचा था ईजी होगा, ईजी है, मॉडरेट लेवल का है। दिक्कत कहाँ आएगी, एंट्रेंस एग्जाम में, बस ये ही है सब कुछ। एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने क्रैक कर दिया देन इट्स अ केक वॉक, फिर तो बहुत इजीली आप डिग्री कंप्लीट कर सकते हो अच्छे स्कोर के साथ। IPMAT, SAT, CUET, आप कोई भी एंट्रेंस करोगे उसमें एप्टीट्यूड, GK, वर्बल एबिलिटी और अपने सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, ठीक है। डिफिकल्ट है एडमिशन प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में लेना, 3 to 4 hours आपको डेली पढ़ना पड़ेगा अपने 11th 12th में अगर आपको ये एंट्रेंस क्रैक करना है, इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। कोर्स इज मॉडरेटली डिफिकल्ट, एंट्रेंस एग्जाम टफ है क्रैक करना और एवरेज स्टडी टाइम है 6 to 8 hours, ठीक है जी। 6 to 8 hours भैया थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है क्योंकि ना यहाँ पर प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होता है, जब प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होता है ना ऑटोमेटिकली टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज 100%, जितने बच्चे आए उतने ही पास होंगे, ऐसा नहीं बीबी में 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया और फिर 100 में से 70 बाहर गए, 30 फेल हो गए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है, बैक पेपर आके तब भी पास हो जाते हो, HM में भी ऐसी है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स की तरफ देखें, कैंपस प्लेसमेंट कॉलेजेस पर डिपेंड करता है, अगर आपने BBA कर लिया एक नॉर्मल कॉलेज से, बिलो एवरेज कॉलेज से, चाह के भी प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल आएगी, आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ब्रांड कॉलेज है, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद वाली क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है जो बस नाम बोला और नाम बोलते काम हो जाता है कॉलेज का, वो वाला कॉलेज है, फिर तो प्लेसमेंट होगा शानदार। यहाँ पर देखो 90 to 100% फ्रॉम गुड ब्रांड्स लाइक IHM, भाई IHM के ही प्लेसमेंट्स जाते हैं, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब 10-10 हज़ार से भी पैकेजेस हैं, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक अच्छे IHM में गए हो वहाँ पर सब कुछ बढ़िया है। भैया एक बार ना प्लेसमेंट का ना आइडिया दे दो कि मतलब कितना कितना कैसे कैसे होगा। देखो ध्यान से सुनना, एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज में आप गए, फॉर एग्जांपल आपने एंट्रेंस क्लियर किया उसके बाद आपका एडमिशन हुआ किस में, कॉलेज में, बिना एंट्रेंस क्लियर किए आप उस कॉलेज में जा ही नहीं सकते। उस कॉलेज में हाईएस्ट प्लेसमेंट है 30 लाख रुपीज़ का और एवरेज है 4 to 5,
ठीक है जी। ग्रुप टू आ गया मेरिट बेस्ड कॉलेजेस। मेरिट का मतलब जहां पर क्लास 12 के बेसिस पे गए हो, हाईएस्ट है ये और एवरेज है ये। और ग्रुप थ्री आ गया कोई भी, भैया मतलब कोई भी मतलब अरे समझ जाओ कोई भी, फीस सबमिट करी एडमिशन हो गया, भारत माता की जय। हाईएस्ट ये एवरेज ये, और ये भी ना टी एंड सी अप्लाई है, अगर आपने बहुत एफर्ट्स किए सब कुछ किया तो ये भी एक दो बच्चों के जाता है बस, ठीक है। ग्रुप वन एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज, यहाँ पर देखते हैं जी होटल मैनेजमेंट में हाईएस्ट है ये, एवरेज है ये। ये अच्छा कुछ बच्चे नहीं कहते भैया इस साल तो नहीं गया इतना, भैया 2023 में तो नहीं गया इतना, भैया 24 में तो नहीं गया। मेरी बात सुनो, हमने ना 5 to 6 ईयर्स के एवरेज किए हैं, ठीक है, कि भैया इतना चला जाता है। अगर एक साल का कंसिडर करेंगे ना तो बहुत वेरिएशन आ जाता है कभी कभी, तो 5 to 6 ईयर्स का ये एवरेज है, इतना चला जाता है हाईएस्ट और एवरेज। मेरिट बेस्ड हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना, और कोई भी मैं तो आपको बताइए हाईएस्ट इतना, एवरेज इतना। अगेन टी एंड सी अप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, पूरी होटल इंडस्ट्री पे ही टी एंड सी अप्लाई है, ठीक है। लिमिटेड स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है, लेकिन होता है तो सॉलिड होता है। टॉप कॉर्पोरेट्स टू वर्क विद, अगर आपने बीबीए कर लिया, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं टीसीएस विप्रो रिलायंस ये सब आपके लिए ओपन है, और जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं जितनी भी हैं सब आपके लिए ओपन है। और सुबह से लेकर शाम तक जो भी खाते हो पीते हो मस्ती करते हो घूमते हो, जो भी आपको घर में अपने दिख रहा है वो है एफएमसीजी, ये सारे ब्रांड्स आपके लिए ओपन है, इन सब में आपकी जॉब्स अवेलेबल है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आईटीसी मौर्या, ओबराय, उमेल भवन, ताज ग्रुप और मेट्रोपॉलिटन, ये डिफरेंट डिफरेंट होटल्स हैं, ग्रुप्स हैं, इनमें आपकी जॉब हो सकती है। ये हो गए टॉप कॉर्पोरेट्स। अब आते हैं जी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की तरफ। अगर हायर एजुकेशन ऑप्शन देखें, भैया मैंने ना बीबीए कर लिया, ठीक है भाई पार्टी तालियां जबरदस्त शानदार, मास्टर्स डिग्री करनी है, क्या क्या कर सकता हूँ भैया? एमबीए कर सकते हो, पीजीडीएम कर सकते हो, पीजी कोर्सेज कर सकते हो कुछ अच्छे कॉलेजेस से। एक तो हो गया ये जोनर कि आपने मास्टर्स कर लिया, ठीक है भैया, भैया मेरा ना 2 साल लगाने का ना मन नहीं है कि मैं मतलब पहले एंट्रेंस की तैयारी करूं, कैट जीमैट ये सब कुछ, उसके बाद फिर मैं 2 साल की डिग्री करूं, मतलब मेरा मन नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। फिर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन का, एक बात ध्यान रखना बस, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और वहां पर लगता है कि ये वाला डिप्लोमा करके मेरा ना जॉब में थोड़ा सा हाइक हो सकता है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, तभी करना। कोई ना चाहते हुए डिप्लोमा सामने आया, अच्छा चलो ये कर लेते हैं। डिप्लोमा 1 लाख से ऊपर है इंडिया में, कहां तक करोगे? जो आपके लिए रेलिवेंट है सिर्फ वो ही करना, ठीक है। और आप प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो, जैसे सीएफए सीपीए वगैरह वगैरह, अगर आपका फिनेंस में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं बीबीए में तो आ गया लेकिन फिनेंस मेरे अंदर से आता है, ठीक है। यहाँ पर हायर एजुकेशन ऑप्शन, भाई आपने पहले बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट किया तो उसके बाद क्या होगा, मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट। कहीं कहीं पर एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी, एमबीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म भी होता है, और मास्टर्स इन कुलिनरी आर्ट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। ये बहुत ही नीश कोर्स है, आपको थोड़ा सा पहले पढ़ना पड़ेगा, और ये सब कुछ थोड़े से ब्रॉड आ जाते हैं होटल इंडस्ट्री में। देखो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में अगर हम फ्यूचर जॉब लेवल देखें, बीबीए में ना आप मॉडरेट लेवल तक जा सकते हो, ऐसा नहीं आप सीईओ और मैनेजमेंट टीम के हेड बन गए, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है, 15 से 20 साल लग जाएंगे। अगर आपको प्रोफेशनली ग्रो करना है एमबीए तो करना ही पड़ेगा, वो जो सीनियर मैनेजमेंट है उसका पार्ट बनना है, एमबीए तो करना ही पड़ेगा टॉप नॉच कॉलेज से, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्टर की पोस्ट तक जा सकते हो और हेड हाउसकीपिंग एंड ऑपरेशंस वगैरह इस प्रोफाइल तक जा सकते हो, डन है जी। अपने बैचलर्स की डिग्री के बाद एवरेज एज ऑफ मैरिज, ऐसा आप नन्नू मन्नू लगोगे, ठीक है 25 to 27। देखो बचपन का प्यार है कि चल भाई तू भी मेहनत कर मैं भी मेहनत करता हूँ, करियर बनाते हैं, 25 तक सेटल होते हैं, फिर शादी करेंगे जयपुर में जाके, वहाँ पे ऐसे ऐसे ही वो बात तो हो गई अलग। मैं चल रहा हूँ नॉर्मल सिनेरियो में, आपकी जॉब लग गई उसके बाद आपने 2 to 3 ईयर्स में अपने पैकेज को इंक्रीज किया और फिर आपने सेटल होने का स्टार्ट कर दिया, सोचना स्टार्ट कर दिया, जब वो स्टार्ट किया तो 1 से 2 साल उसमें भी लग गए और तब जाके आपका ये एज ग्रुप में शादी हो जाएगा, अगर जॉब लगी तो, जॉब नहीं लगी भगवान मालिक। यहाँ पर अगर गुड इंस्टीट्यूशन से किया है, मेरे साथ बोलेंगे, अगर गुड इंस्टीट्यूशन से किया है तो ही आपकी शादी होगी। और 26 टू 30 की एज में भैया इतना इंक्रीज क्यों? होटल मैनेजमेंट का करियर थोड़ा सा लेट शेप हो सकता है कंपैरेटिवली, थोड़ा सा लेट 1 से 2 साल, तो यहाँ पर एज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। और अगर जॉब ही नहीं लगी फिर तो भगवान मालिक है।
रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, देखो बीबीए है एक बेसिक डिग्री, मार्केट को चाहिए कुछ हायर एजुकेशन हो, कि भाई एमबीए कर रहा हो बच्चा, कि टॉप कॉलेज से हो, आईआईएम हो, ये हो वो हो, मार्केट आपको कंसिडर कहता है ना, वो सामाजिक रिस्पेक्ट आपको तब मिलेगी जब आपके पास मास्टर्स होगा। बीबीए, अच्छा बीबीए कर रहे हो क्या, चलो एमबीए कर लेना कैट के बाद कुछ, वो मेंटेलिटी है। यहाँ पर अच्छी खासी रिस्पेक्ट है। अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाते हो और उसमें बैचलर्स किया है तो ज़्यादा आपको आसपास लोग नहीं मिलते बीएचएम किए हुए, तो आप किसी को बताओ मैंने बीएचएम किया है, वो भाई 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 क्या बात है क्या बात है, मैंने डिज़ाइनिंग की डिग्री किया, भाई 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 मैंने बीकॉम किया है, साइड हो, मैंने बीटेक किया, चल साइड हो। एक मेंटेलिटी हमारी। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज, भाई देखो कंटेंट राइटिंग में दुनिया भर की जॉब्स अवेलेबल है, किसके लिए, बीबीए ग्रेजुएट के लिए। चैट जीपीटी, नाम सुना है टूल का, नहीं सुना तो आज एक बार देख लेना, चैट जीपीटी जो दे रहा है उसको कैसे हम मार्केटेबल बनाएं, इट्स एन आर्ट। तो ये टूल्स को यूज करते हुए आपको कैसे ग्रो करना है, ये भी हो सकता है, पूरा बहुत बड़ा फील्ड है कंटेंट। डिजिटल मार्केटिंग, इसमें अकेले में 1500 जॉब प्रोफाइल्स हो गई है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसके अंदर भी 10 रोल, बहुत कुछ है। और मार्केट रिसर्च में भी बहुत सारी जॉब्स आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर हम फ्रीलांस देखें होटल इंडस्ट्री में, तो आप अपना खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, आप टीचिंग कर सकते हो। ज़्यादा अच्छे टीचर्स इस इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलेंगे, मिलेंगे मुश्किल से 50-60-70, ज़रूरत है हज़ारों की, राइट। ब्लॉगिंग आप कर सकते हो। कोर्स लाइफ की अगर बात करें बीबीए में, देखो प्रेशर है बहुत कम, फ्रेंड्स के साथ रहेगी पूरी मस्ती, पर्सनालिटी के सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करोगे। और अगर कॉलेज अच्छा है ना, मतलब जितना सोच सकते हो ना, बस उससे भी ज़्यादा मस्ती आएगी। यहाँ पर आपको ना कुकिंग डिपार्टमेंट और प्रैक्टिकल लैब्स में वर्क करना पड़ेगा, अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज फिगर आउट करना पड़ेगा, कि भाई ठीक है मुझे कुकिंग में जाना है, हाउसकीपिंग में जाना है, ट्रैवल में जाना है, किस फॉर्मेट में जाना है, ठीक है जी। आप अच्छा खासा टाइम लोगों के साथ बिताओगे, उनकी हैबिट्स को फिगर आउट करने में बिताओगे। एक ना अरीना होता है, एक ऑरा होता है, एक जगह का वाइब होती है, उस वाइब को समझना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को फिर चेंज करना पड़ता है, जिसको कहते हैं कल्चरल शिफ्ट, वो आपको सीखना पड़ेगा। और अपनी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स पर अच्छा खासा काम करना होगा। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, भैया सारी कहानी समझ में आ गई, ठीक है, नींद भी आ गई थी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हम डटे रहे, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मुझे ये बता दो भैया बीबीए में सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। देखो मिक्सचर ऑफ मैनेजमेंट, फिनेंस, डिसीजन मेकिंग आपको यहाँ पर मिलेंगे। कैसे भैया, मतलब कैसे, जैसे आपने बचपन में बुक पढ़ी है तो पहले आपको वो ABCD वाली बुक दी गई, ABC, ए फिर एप्पल की एक शेप आई, बी में फिर एक बॉल की शेप आई, ऐसे ऐसे आपको बुक्स मिली, फिर धीरे धीरे वर्ड्स वाली बुक आई, फिर धीरे धीरे ग्रामर वाली बुक्स आई, फिर मैथ्स वाली बुक्स आई, फिर आपको थोड़ा नेचर से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक्स मिली। अगर वो ज्योग्राफी की बुक आपको बचपन में पकड़ा देते तो क्या होता, ओवर द हेड सब कुछ चला जाता। सेम केस में है बीबीए, आपको पहले बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, बहुत ही बेसिक, उसके बाद सारी कहानी आगे की स्टार्ट होगी, HR, मार्केटिंग, बिजनेस, मैथ्स, ये सब कुछ बेसिक। फिर आप मास्टर्स करते हो स्पेशलाइजेशन में, कि भाई MBA इन मार्केटिंग, MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, डन। तो BBA में आपने सारे बेसिक्स पढ़ लिए। यहाँ पर आप ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द होटल सीखते हो, जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, घर का पूरा मैनेजमेंट करते हैं, कि भाई ठीक है ऐसे ही हमारा किचन का हो गया, ऐसे हमारा घूमने का हो गया, ऐसे स्कूल का हो गया, ऐसे ऑफिस का हो गया, ऐसे ओवरऑल घर का मेंटेनेंस हो गया, ऐसे आज शॉपिंग में जाना है, आज संडे तो आज हम ये पूरा मैनेजमेंट है, ऐसी बस आप पूरा का पूरा होटल भी मैनेज करते हो, धीरे धीरे उस लेवल पर आ जाते हो। भैया सब्जेक्ट तो समझ में आ गए, यहाँ पर मैं होटल का मैनेजमेंट पढ़ूंगा और यहाँ पर मैं बेसिक पढ़ूंगा मैनेजमेंट का, इन टोटल बिजनेस। अब भैया काम क्या करूँगा, पढ़ तो लिया, सब्जेक्ट तो समझ में आ गए, काम क्या होंगे, भाई काम आपका होगा ज़्यादातर जनरल मैनेजमेंट का। बीबीए स्टूडेंट ना एक ऐसा प्रोफाइल है जिसको कहीं पर भी लगा दो और वो वहीं पर काम कर लेता है। तो जनरल मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप और एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, हर रोल में शानदार, जबरदस्त। एक इनका पर्सोना नहीं है कि इसी टाइप के रोल, सारे रोल्स में बढ़िया लगता है। तो आप कस्टमर रिलेशनशिप से लेके सेल्स, फाइनेंस से लेके डेटा एनालिटिक्स, जो भी प्रोफाइल आपको मिलती है आप उस प्रोफाइल पे वर्क करते हो स्टार्टिंग में। यहाँ पर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस देना होता है गेस्ट को, आपका वर्क यही है। अगर आप कुकिंग कर रहे हो वहाँ पर भी बेस्ट एक्सपीरियंस, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो वहाँ पर भी बेस्ट एक्सपीरियंस। जैसे आपने अभी कभी अपने क्रश को प्रपोज किया है,
है ना। हमारे एक फ्रेंड ने किया था, सार्थक भाई ना तू गिटार लिया हो भाई, यार एक ना ये सिंगर हो है हमारे पास, वो गाना गा देगा। अरे भाई वो उसके पापा ना वहाँ जॉब करते हैं कश्मीर में, वहाँ ना चॉकलेट्स अच्छी मिलती है, वहाँ से चॉकलेट आ रही है। उसने ऐसी वाइब बनाई थी ना प्रपोज करते टाइम, तो सब कुछ बेस्ट एक्सपीरियंस देना था कि बस आज ना तो हो ही ना पाए बस। तो वो जो बेस्ट एक्सपीरियंस है वो मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए कि भाई ठीक है मुझे अपने गेस्ट को बेस्ट एक्सपीरियंस देना है बेस्ट पॉसिबल वे में। आया चला गया, आ गया भैया सब कुछ आ गया समझ में, अब एप्टीट्यूड कैसा चाहिए और ये होता क्या है एप्टीट्यूड। देखो ए पी आई, जहां पर ये मिल गए वो हो गया आपका आइडियल करियर। ठीक है तो देखना जरा कुछ आता है क्या। मल्टीटास्किंग आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए अगर आप बीबीए करना चाहते हो, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जैसे आप कभी हेयर ड्रेसर के पास गए हो, मैं बॉयज एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ क्योंकि अगेन यार मैं बॉय हूँ तो मेरे को यही वर्ल्ड पता है ज़्यादा। जब हमारा हेयर ड्रेसर होता है ना वो हेयर कट कर रहा होता है, हेयर कट करते करते 15 मिनट बाद भैया यार फेस पे ना मतलब वो नूर नहीं आ रहा यार भैया, पता नहीं कहाँ सनबर्न कुछ गड़बड़ है क्या यार मामला, मतलब क्या हो रहा है ये फेस पे, एक पता नहीं ब्लैक सा कुछ आ रहा है भैया, ये करा लो फेशियल, गोल्ड फेशियल है भैया, उसके बाद आग लग जाएगी भैया। क्या है मल्टीटास्किंग, हेयर कट करते करते मुझे फेशियल भी चिपका रहा है, राइट। तो ये मल्टीटास्किंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये टास्क मैं कर रहा हूँ और सेकेंड माइंड में चलता रहता है, वो मेंटेलिटी है, वो एप्टीट्यूड है। ऐसा नहीं मल्टीटास्किंग आती ओए मेरे से काम नहीं हो रहा मैं नहीं कर, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हो गया डिटेल ओरिएंटेड एचएम में, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों पर ध्यान और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जैसे आपने कभी पेंटर को देखा है, पेंटर ने पेंट कर दिया एक छोटा सा पैच रह गया, ठीक है, या फिर एक वाटर पैच रह गया जिसको आप सीलन बोलते हो, वो लग जाता है उसके पीछे कि भाई ठीक है अब इसको ऐसे करते हैं, रोलर लाते हैं, ये करते हैं, इसमें पुट्टी भरते हैं, वो लग जाता है उसके पीछे और उसको ठीक करके बांधता है। डिटेल ओरिएंटेड, ऐसा नहीं एक वॉल तो बहुत अच्छी और दूसरी बेकार और आप कह दोगे चल ठीक है यार एक वॉल तो ठीक हो गई, हर चीज़ प्रॉपरली अलाइंड होनी चाहिए। सेम काम है किसका, एचएम स्टूडेंट का। पर्सनैलिटी देख लेते हैं जी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बेहतरीन वाला नेटवर्किंग, लीडरशिप एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, मोस्टली होते हैं कौन एक्सट्रोवर्ट, बोलने वाले मिलेंगे आपको बीबीए स्टूडेंट, और एम्बिशियस होते हैं। जैसे आयुष्मान खुराना है ना, 12 साल लगे एक्टिंग करियर को शेप होने में, लगा रहा लड़का, बस यही जो नेवर गिव अप वाली पर्सनैलिटी है, जबरदस्त नेटवर्किंग लीडरशिप एबिलिटीज है, ये होती हैं बीबीए स्टूडेंट में। टाइम लगता है करियर बनने में लेकिन जब बनता है दुनिया देखती है। अच्छा ये मत सोचना आयुष्मान खुराना के बारे में तो हर कोई जानता है और बीबीए स्टूडेंट के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं। यार देखो आप कंपनीज के अंदर होते हो तो कंपनी जो है ना उस फील्ड की, आप मान लीजिए एजुकेशन इंडस्ट्री में हो तो उस इंडस्ट्री के लोग आपको जानते होंगे पक्का, यार ये बंदा ना, तो आप अपनी इंडस्ट्री में फेमस होते हो। मोस्टली एक्सट्रोवर्ट एचएम वाले स्टूडेंट अगर इंट्रोवर्ट हुए बात कैसे करेंगे, लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस कैसे देंगे, गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम को एक अच्छे तरीके से कैसे कहेंगे। एक्सट्रोवर्ट तो होना ज़रूरी है, पोलाइट एंड हम्बल, क्रिएटिव होने चाहिए और पेशेंस तो बहुत ज़्यादा। कोई कोई क्लाइंट आपको पता है ऐसे ऐसे आते हैं होटल में भी, आपने प्रैक्टिकली भी देखे होंगे, आपको क्या रहना है पेशेंट, जैसे कि एकता कपूर सीरीज़ की बहू होती है ना बिल्कुल पेशेंट, ठीक है एक्सट्रोवर्ट होती है, सबसे अच्छे से बात करती है, पोलाइटली बात करती है, पापा जी मैं ये करती हूँ, मम्मी जी मैं ये करती हूँ, बस वैसा ही पर्सनैलिटी आपका भी चाहिए। इंटरेस्ट, बीबीए स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है टास्क को कंप्लीट करने में, बात खत्म, ये टास्क मुझे दिया मैं ये करके दिखाऊंगा, तेरा भाई करके दिखाएगा तकड़े तरीके से। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एडमिशन ले लिया ना कॉलेज में, आप सब जाओगे कॉलेजेस में आगे, फर्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ते हैं भाई, आप फोड़ देंगे भाई कॉलेज में, ऐसा ऐसे वैल्यू बनाएगा तेरा भाई, ऐसी वैल्यू बनाएगी तेरी बहन, और ऐसा 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 वाइब क्रिएट होगा कि हर कोई कहेगा भाई ये भाई बच्चा तो यही है भाई, इसके जैसा बच्चा नहीं देखा। फर्स्ट सेमेस्टर में यही होता है, सबका यही है, सास भी कभी बहुत ही मुझे भी पता है, ठीक है धीरे धीरे फिर जिंदगी ट्रैक पर आती है। इंटरेस्ट इन प्रोवाइडिंग स्मूथ एंड एंजॉयबल एक्सपीरियंस, जैसे एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं ना क्लासी एक्सपीरियंस, जिसके हाथ में एप्पल है पता है कि भाई एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा होगा एप्पल इसको, तो वो जो एक्सपीरियंस है एक डिफरेंट वाइब है वो वाइब एचएम वाले देते हैं। जहाँ पर आपका ये इंटरेस्ट पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड मिल रहा है, ये जो ट्रेड्स हैं आपको सुन के लगा हाँ यार इनमें से मेरे पास 70% भी है, तो समझ जाना बस ये करियर आपके लिए, उसको छोड़ना मत, इसी में लग जाओ। प्रोफाइल चेंज होती रहेंगी, डिग्री यही रहेगी।
भैया सब कुछ बढ़िया हो गया तो क्या बढ़िया, बीबीए में देखो आपने टॉप नॉच एंट्रेंस क्लियर कर लिया, टॉप नॉच कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, आईआईएम्स में, शहीद सुखदेव सिंह में, एसपी जैन में, बढ़िया कंपनी के साथ प्लेसमेंट हो गया, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपने एमबीए कर लिया, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, मैक्स है ये। भैया बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर क्या है, आपने आईएचएम एंट्रेंस क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका एडमिशन हो गया टॉप आईएचएम में, उसके बाद आपका बढ़िया वाला प्लेसमेंट हो गया टॉप हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के साथ, और आप फिर आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन का सोच रहे हो एब्रॉड से, ये बेस्ट है भाई। अब जिंदगी बेस्ट तो होती नहीं है, जिंदगी है बैलेंस में, बैलेंस से नीचे आता है वर्स्ट, वर्स्ट देख लेते हैं एक बार। भाई आप ना एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाए जो स्टैंडर्ड वाले थे, नेशनल लेवल के थे, यूनिवर्सिटी लेवल का कर दिया आपने, ठीक है जी, आपको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल गया, आपका करियर स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं। केस टू आता है, भैया कोई भी एंट्रेंस नहीं कर पाया, ना तो यूनिवर्सिटी, ना स्टेट, ना नेशनल, कुछ नहीं, सब बीराना। बीबीए है बेसिक कॉलेज से, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, और एमबीए की तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर से ही जो आपका करियर शेप हो जाए। 3 to 4 years लगेंगे लेकिन करियर शेप हो जाएगा, यहाँ पर आपका डे टू डे बेसिस पर एफर्ट्स लगाने का टाइम आ गया है। वर्स्ट केस किसका, होटल मैनेजमेंट। भाई गवर्नमेंट आईएचएम नहीं मिला, कोई बात नहीं, एंट्रेंस तो हुआ है, कुछ तो कॉलेज मिला होगा, प्लेसमेंट ले लो, जो भी मिला है स्टार्ट तो हुआ करियर। भैया कोई भी एंट्रेंस नहीं हुआ, बहुत ही बेसिक कॉलेज से मतलब कर रहा हूँ जहाँ पे जाने का भी मन नहीं करता। देखो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी ज़्यादा, 2 से 3 आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, अपने आप में बुक्स वगैरह रीड करके अपने आप को बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाना पड़ेगा, और एक अच्छे ग्रुप के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करो। जिस दिन ये हो गया ना, एक अच्छे ग्रुप के साथ एसोसिएट हो गए, आपके सीवी में उस ग्रुप का नाम आ गया, बस समझ जाना उस दिन से एक जे कर्व आपके करियर में हो गया। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी कोई डाउट है कहाँ पर बताओगे, कॉमेंट सेक्शन में। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।